हेलो दोस्तों, मैं परवेज़। क्लिक ऑन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा सऊदी का एक टेलीकॉम ऑपरेटर के बारे में, एसटीसी। दोस्तों, सऊदी में जितना भी टेलीकॉम ऑपरेटर है, इस सिम का एक एक्सपायरी डेट होता है। अब मार्केट से जब भी प्रीपेड का कोई सिम खरीदा हो, आपको मालूम पड़ेगा। जिन लोग सऊदी में है उसको भी, सबको मालूम है, जो सऊदी का जितना भी टेलीकॉम ऑपरेटर है, इसका एक सिम का एक्सपायरी डेट होता है। चाहे फ्रेंडी बोलो या लेब्रा हो या फिर जेन हो, मोबाइली हो या फिर एसटीसी हो। कई लोग सोचेगा, जो मैं तो फ्रेंडी का सिम इस्तेमाल करता हूँ, मेरा तो कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है। तो दरअसल आपको बैलेंस जब चेक करने के लिए जाता है तो एक्सपायरी डेट शो नहीं करता है, लेकिन आप लगातार 3 महीने 4 महीने इस्तेमाल नहीं करेगा तो धीरे धीरे आपका सिम जो बंद हो जाएगा। ये फ्रेंडी का लेब्रा की बताया मैंने, लेकिन मैं आपको बताऊँगा एसटीसी का है। एसटीसी का जो एक्सपायरी डेट रहता है, सिम का एक्सपायरी डेट, आप फ्री में कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आज बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जिन लोगों ने हमारा चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल को भी दबाइए, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करो, आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा एसटीसी में कैसे आप बढ़ा सकते हैं एक्सपायरी डेट। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, मेरा जो डेट है अभी फ़िलहाल ज़्यादा है, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, इसके ज़रिए आप इस मेथड को फॉलो कीजिए, आपका सिम का जो वैलिडिटी है बढ़ जाएगा। तो एक्सपायरी डेट कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। नंबर पे डायलर पैड में आना, इधर आके जैसे बैलेंस चेक करता है वो नंबर डायल करना, *166#, ये नंबर डायल करेगा तो बैलेंस भी दिखाएगा और एक्सपायरी डेट भी दिखाएगा। तो ये जो नंबर है दोस्तों, आप देख रहा है, इसको मैं डायल किया तो ये 6.27 रुपये है मेरा, और एक्सपायरी मेरा जो सिम का एक्सपायरी डेट है वो भी दिखा रहे, 19/10/2019 के अंदर मेरा सिम जो एक्सपायर हो जाएगा। तो इस डेट के अंदर मैंने इसको पैसा नहीं डालेगा, इस्तेमाल नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, तो इस डेट के अंदर मेरा जो सिम है वो डीएक्टिव हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। पहले इनकमिंग कल बंद होगा, पहले आउटगोइंग कॉल बंद होगा, उसके बाद इनकमिंग भी बंद हो जाएगा। तो उस डेट के अंदर हमको ज़रूर रिचार्ज करना पड़ेगा, तभी वह सिम आगे चलेगा। लेकिन जिसका कोई रिचार्ज नहीं करते है, कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन अब फ्री में बढ़वाना चाहता है एक्सपायरी डेट, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए पूरा लास्ट तक, हम जो बोल रहे हैं उस मेथड को फॉलो कीजिए। तो डेट बढ़ाने का जो तरीका है, एक कंपनी का तो ऑफिशियल ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बढ़ा सकता है। ये ट्रिक को फॉलो कीजिए, हम खुद भी ट्राई किया है, मेरा दोस्तों को भी ट्राई करके ये जो बढ़ाने का तरीका हमने बताया है, तो इसीलिए एक वीडियो बना रहा हूँ। डेट बढ़ाने का जो तरीका है दोस्तों, किताब पॉइंट से रिलेटेड है। आप किताब के बारे में सुना होगा, एसटीसी का जो किताब पॉइंट होता है, इससे रिलेटेड है आप डेट बढ़ाने का जो ट्रिक है। तो किताब पॉइंट चेक करने के लिए आप एक नंबर पड़ता है डायलर पैड में आके, *200#, इस नंबर को डायल कीजिए। डायल करने के बाद दो नंबर ऑप्शन फॉलो कीजिए, आपका कोई किताब पॉइंट है तो आपको दिखाएगा। मेरा जो पॉइंट है 77 पॉइंट है। आपको करना क्या होगा, आपको अगर एक्सपायरी डेट जो है ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, 1 महीने के अंदर एक्सपायर हो जाएगा या फिर 10-15 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपका दोस्त का किसी का भी जो सावा का सिम इस्तेमाल करता है, एसटीसी का सिम इस्तेमाल करता है, उसके अंदर 20 पॉइंट रहेगा, 20 पॉइंट मिनिमम जो है, आप 20 पॉइंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उधर से आप जिसका डेट नहीं है, वैलिडिटी ज़्यादा नहीं है, उस नंबर पे आपको 20 पॉइंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। 20 पॉइंट जब आप ट्रांसफ़र कर देगा तो आपका दोस्त का मोबाइल से जब अपना मोबाइल पे ट्रांसफ़र करेगा, जिसका डेट नहीं है, ज़्यादा वैलिडिटी नहीं है, तो उस नंबर पे जब ट्रांसफ़र करेगा तो आपको 3 महीने का वैलिडिटी ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक्सपायरी डेट बढ़ जाएगा। ये मैंने खुद ट्राई किया हो मेरा नंबर पे, और मैं बहुत ज़्यादा दोस्त को भी बताया, वो भी ट्राई करके वो भी ये फ़ायदा उठाया। आपको कोई रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा, आप मार्केट से 20 रियल का कार्ड डालेगा तो एक महीने का वैलिडिटी आता है, लेकिन ये ट्रिक फॉलो करेगा तो आपको 3 महीने फ्री में मिल जाएगा डेट। आप पॉइंट ट्रांसफ़र करेगा तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, जो ट्रांसफ़र चार्ज है वो कुछ भी नहीं है, फ्री में रखा है। तो 20 पॉइंट ट्रांसफ़र करेगा तो आपका मोबाइल में 20 पॉइंट आ जाएगा, और 2 दिन के बाद या फिर 1 दिन के बाद अपना जो
दोस्त का जो 20 पॉइंट है आप लौटा देना तो उसका भी बढ़ जाएगा 3 महीना। अगर उसका डेट ज़्यादा नहीं रहेगा तो बढ़ जाएगा, अगर रहेगा तो नहीं बढ़ेगा। तो ये जो तरीका है इसके ज़रिए आप भेज सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप पॉइंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैसेज में जाकर लिख लेना किताब, किताब से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है आपको मिल जाएगा ऐड मैसेज। इधर आकर लिख लेना किताब, QITAF, ए हो गया किताब, सॉरी इधर नंबर देना पड़ेगा 900, ये STC कस्टमर केयर नंबर, और मैसेज में लिख लेना किताब, QITAF किताब लिख के आप सेंड करेगा तो आपको किताब से रिलेटेड सब पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। मैं पहले भी एक मैसेज सेंड किया था तो ये पुराना जो मैसेज है आप देख लेना, ये किताब से रिलेटेड पूरा मैसेज है। आप किताब प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहता है तो आप ये 201 लिख के रिप्लाई कर देगा तो आपका जो किताब पॉइंट के अंदर जो जितना भी ऐड आता है, जितना भी ऑफ़र रहता है मिल जाएगा। रिडीम करने का जो ट्रांसफ़र करने का जो ऑप्शन है दोस्तों आप देख सकते हैं इधर 1870, ये मैसेज में लिखना है 1870 लिखना है, उसके बाद एक स्पेस देना है, उसके बाद जिस नंबर पे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर देना है, STC का मोबाइल नंबर, उसके बाद एक स्पेस देना है, उसके बाद पॉइंट देना है कितना पॉइंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो आप 20 पॉइंट ट्रांसफ़र कीजिए, 20 पॉइंट ट्रांसफ़र करेगा तो आपको 3 महीने का वैलिडिटी बढ़ जाएगा। तो 20 पॉइंट लिखने के बाद इसको 900 पे ये मैसेज सेंड करना, तो आपका जो 20 पॉइंट जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आपका वैलिडिटी भी बढ़ जाएगा 3 महीने का। और आपका किताब पॉइंट नहीं है, जीरो है, बिल्कुल जीरो है, या फिर 20 पॉइंट से नीचे है, तो आप फ्री में कैसे आप किताब पॉइंट हासिल कर सकते हैं, 100 पॉइंट की कैसे हासिल कर सकते हैं, मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं, आप फ्री में कैसे 100 किताब पॉइंट अर्न कर सकते हैं। तो ज़रूर ये ट्रिक फॉलो कीजिए, किताब पॉइंट ट्रांसफ़र कीजिए और अपना वैलिडिटी बढ़ाइए, तो ये पॉइंट ज़रूर काम करेगा, मैं खुद ट्राई किया हूँ। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर ज़रूर करना, थैंक यू।